हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए हम आज के करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। तो हमारे आज से करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन हमारे प्रीवियस क्विज से। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कोर्ट ने देश का पहला भगोड़ा आर्थिक अपराधी किसे घोषित किया है? हमारे ऑप्शन है ए नीरव मोदी, बी मेहुल चौकसी, सी विजय माल्या, डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है विजय माल्या। विजय माल्या को आर्थिक भगौड़ा घोषित किए जाने के बाद अब सरकार को उसकी संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार मिल सकेगा। विजय माल्या की प्रॉपर्टी जब्त करने को लेकर पीएमएलए कोर्ट में 5 फरवरी को सुनवाई होगी। भारी कर्ज में दबी एयरलाइंस किंग फिशर के मालिक विजय माल्या पर आरोप है कि वह कई बैंकों से करीब 9,990 करोड़ रुपये का लोन लेकर फरार है। विजय माल्या को लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने ब्रिटेन सरकार को भारत प्रत्यर्पित करने का आदेश दिया हुआ है। आर्थिक भगोड़ा वह होता है जिसके विरुद्ध सूचीबद्ध अपराधों के लिए गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया होता है। साथ ही ऐसा व्यक्ति भारत को छोड़ चुका है ताकि यहाँ हो रही आपराधिक कार्रवाई से बच सके, या वह विदेश में हो और इस कार्रवाई से बचने के लिए भारत आने से मना कर रहा हो। हमारा अगला क्वेश्चन, एशिया प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान ने भारतीय राज्यों की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2018 जारी की है। इसमें पहला स्थान किसका है? हमारे ऑप्शन है ए गुजरात, बी दिल्ली, सी आंध्र प्रदेश, डी महाराष्ट्र। और इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र को दूसरा और दिल्ली को तीसरा स्थान मिला है। इसमें 2016 में आंध्र प्रदेश की ओवरऑल रैंकिंग 5 थी और इस वर्ष आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर पहुंच गया है। हमारा अगला क्वेश्चन, जीएसटी काउंसलिंग द्वारा गठित मंत्रियों के समूह ने किस राज्य में 1% आपदा सेस लगाने की मंजूरी दी है? हमारे ऑप्शन है ए केरल, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी बिहार। इसका सही जवाब है केरल। बाढ़ से तबाह इस राज्य को यह सेस 2 साल के लिए लगाने की छूट दी जाएगी। यदि कोई अन्य राज्य सरकार आपदा उपकर लगाना चाहती है तो उसे जीएसटी काउंसलिंग की मंजूरी लेनी होगी। दरअसल जीएसटी कानून के तहत किसी प्राकृतिक आपदा या दुर्घटना के समय अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए कुछ समय के लिए विशेष टैक्स लगाने का प्रावधान है। हमारा अगला क्वेश्चन, कुंभ में यात्री सुविधाओं के लिए रेलवे ने किस ऐप को लॉन्च किया है? हमारे ऑप्शन से ए रेल सेवा ऐप 2019, बी सेवा ऐप 2019, सी प्रयागराज सेवा ऐप 2019, डी रेल कुंभ सेवा ऐप 2019। इसका सही जवाब है रेल कुंभ सेवा ऐप 2019। उत्तर मध्य रेलवे ने NCR ने यह ऐप लॉन्च किया है और इस ऐप से यात्रियों को प्रयागराज शहर के भीतर सभी रेलवे स्टेशन और मेल जोन, महत्वपूर्ण होटल, बस स्टैंड आदि की जानकारी लेने में मदद मिलेगी। इस ऐप से अनारक्षित और आरक्षित टिकट की बुकिंग भी हो सकेगी। हमारा अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया है? हमारे ऑप्शन से ए राजेश अवस्थी, बी सुधीर भार्गव, सी वंजा एन सरना, डी नीरज कुमार गुप्ता। हमारा सही जवाब है सुधीर भार्गव। केंद्र सरकार ने केंद्रीय सूचना आयोग में सुधीर भार्गव को नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया है। सरकार ने 4 नए सूचना आयुक्तों की भी नियुक्ति की है। नए सूचना आयुक्तों के रूप में पूर्व नौकरशाह यशवर्धन कुमार सिन्हा, वंजा एन सरना, नीरज कुमार गुप्ता और सुरेश चंद्र की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। हमारा अगला क्वेश्चन, 3 बार हॉफमैन कप जीतने वाले पहले खिलाड़ी का नाम क्या है? हमारे ऑप्शन से ए अलेक्जेंडर जेवरेव, बी एंजेलिक कर्बर, सी रोजर फेडरर, डी बेलिंडा बेंसिच। इसका सही जवाब है रोजर फेडरर। रोजर फेडरर ने बेलिंडा बेंसिच के साथ मिलकर टीम को लगातार यह खिताब दिलवाया है और रोजर फेडरर ने 5 जनवरी को पर्थ ऑस्ट्रेलिया में मिश्रित टीम टूर्नामेंट के रोमांचक फाइनल में स्विट्जरलैंड को 2-1 से जीत दिलाई, जिससे वह हाफमैन कप इतिहास में सबसे सफल खिलाड़ी बन गए। हमारा अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असम समझौते की धारा 6 को लागू करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन को मंजूरी दी है।
यह समझौता कब किया गया था? हमारे ऑप्शन हैं ए 13 जनवरी 1986, 22 नवंबर 1988, सी 15 अगस्त 1985, डी 26 जनवरी 1965। और इसका सही जवाब है 15 अगस्त 1985। 15 अगस्त 1985 को असम समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। समझौते की धारा 6 के अनुसार असम के लोगों की सांस्कृतिक, सामाजिक, भाषाई पहचान व विरासत को संरक्षित करने और प्रोत्साहित करने के लिए उचित संवैधानिक, विधायी और प्रशासनिक उपाय किए जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत गरीब लड़कियों की शादी के लिए 28,000 रुपये की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया है? हमारे ऑप्शन से ए 41,000 रुपये, बी 31,000 रुपये, सी 51,000 रुपये, डी 81,000 रुपये। और इसका सही जवाब है 51,000 रुपये। मध्य प्रदेश सरकार ने इस 28,000 रुपये को बढ़ा के 51,000 रुपये कर दिए और यह फैसला उन्होंने 5 जनवरी 2019 को मध्य प्रदेश कैबिनेट में लिया। इस राशि में से सामूहिक विवाह कार्यक्रम के आयोजन के लिए अधिकृत निकायों को हर कन्या के विवाह हेतु 3,000 रुपये की राशि दी जाएगी, जबकि शेष 48,000 रुपये की राशि कन्या के बचत खाते में ट्रांसफर होगी। हमारा अगला क्वेश्चन, प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन 21 से 23 जनवरी को कहाँ होगा? हमारे ऑप्शन से ए लखनऊ, बी नई दिल्ली, सी प्रयागराज, डी वाराणसी। और इसका सही जवाब है वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 21 से 23 जनवरी तक प्रवासी भारतीय सम्मेलन के मद्देनज़र नया शहर बसाने के साथ अन्य तैयारियां भी शुरू हो गई हैं और इसका थीम है नवीन भारत के निर्माण में प्रवासी भारतीयों की भूमिका। इस सम्मेलन में 75 देशों के करीब 8,000 प्रतिनिधि शामिल होंगे। इनके रहने, खाने, घूमने और स्वागत पर 185 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस सारे काम का जिम्मा एक विदेशी कंपनी को सौंपा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला दिव्यांग पर्वतारोही कौन बन गई हैं जो भारतीय हैं? हमारे ऑप्शन से ए अरुणा राय, बी अरुणिमा सिन्हा, सी बछेंद्री पाल, डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा एक कृत्रिम पैर के सहारे चढ़ी हैं। वह उत्तर प्रदेश से है और 2011 में पद्मावती एक्सप्रेस ट्रेन से एक भयानक घटना में उन्होंने एक पैर को खो दिया था। अरुणिमा सिन्हा का उद्देश्य 7 महाद्वीपों में 7 चोटियों की चढ़ाई करना है। वो पहले से ही 5 चोटियों की चढ़ाई कर चुकी हैं, जो है माउंट एवरेस्ट, माउंट किलिमंजारो अफ्रीका, माउंट एवरेस्ट रूस, माउंट कोसियस्को और माउंट एकेकागुआ है। वह पूर्व राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल खिलाड़ी भी हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, 80वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2019 का आयोजन किस स्थान पर किया जा रहा है? हमारे ऑप्शन से ए कटक, बी संबलपुर, सी पुरी, डी भुवनेश्वर। इसका सही जवाब है कटक। 80वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2019 4 जनवरी को कटक में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शुरू हुई। इस प्रतिस्पर्धा में 35 टीमें हिस्सा लेंगी। इस प्रतिस्पर्धा में मणिका बत्रा, शरद कमल, मधुरी पाटकर तथा अंकिता दास जैसे खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इस प्रतियोगिता का आयोजन उड़ीसा राज्य टेबल टेनिस संघ द्वारा किया जा रहा है और इस प्रतियोगिता का समापन 9 जनवरी को होगा। हमारा अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने केरल के किस शहर में शास्त्रीय भाषा केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी है? हमारे ऑप्शन से ए कोची, बी कोल्लम, सी मुन्नार, डी तिरूर। इसका सही जवाब है तिरूर। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने करके तिरूर में शास्त्रीय भाषा केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी। इसकी स्थापना तुंचाथ एजुथाचन मलयालम विश्वविद्यालय में की जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार को विस्तृत रिपोर्ट तैयार करनी होगी और केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के साथ MOU पर हस्ताक्षर करने होंगे। इसका उद्देश्य मलयालम भाषा के विकास पर शोध कार्य करना है। हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने एशिया आश्वासन पहल अधिनियम पर हस्ताक्षर किए? हमारे ऑप्शन से ए भारत, बी चीन, सी फ्रांस, डी अमेरिका। और इसका सही जवाब है अमेरिका।
हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एशिया आश्वासन पहल अधिनियम पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद नया कानून बन गया और इस कानून का उद्देश्य चीन के बढ़ते प्रभाव व खतरे को कम करना है और एशिया में अमेरिकी नेतृत्व को पुनः स्थापित करना है। इस अधिनियम के द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका सुरक्षा, आर्थिक कार्य इत्यादि में अपना प्रभाव कार्यक्रम करने का प्रयास करेगा और इस अधिनियम में एशिया में अमेरिका के सहयोगियों के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए अगले 5 वर्षों में 1.5 अरब डॉलर खर्च किए जाने की व्यवस्था है और इसमें इस्लामिक स्टेट और अन्य आतंकवादी संगठनों की मौजूदगी पर भी प्रकाश डाला है जो अमेरिका के लिए खतरा है। और इस नियम के तहत चीन द्वारा दक्षिण चीन सागर में अवैध निर्माण और सैन्यकरण पर प्रकाश डालते हुए इसके प्रभाव को सीमित करने का भी प्रयास किया जाएगा। तो हमारा आज का करंट अफेयर्स यहीं तक। हमारा आज का क्विज है, थाईलैंड के चक्रवाती तूफान का नाम बताएं जिसने 5 जनवरी को अपना रुख भारत की तरफ अंडमान द्वीप की ओर कर लिया। हमारे ऑप्शन से ए राहत, बी पाबुक, सी परी, डी इनमें से कोई नहीं। आप अपना सही जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और हमारा वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।